तो आज हम फिर से एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। 33 इयर्स ओल्ड, ग्रेड 5 में है, 6 की साइड जा रहे हैं, 4500 प्लस ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए और 11 मंथ्स का हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। और आज हम सिर्फ रिजल्ट एनालिसिस नहीं, हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं क्या करूँ, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ या सिर्फ मेडिसिन लूँ। तो आज हम एग्जैक्टली देखेंगे मेडिसिन से हमें कितना बेनिफिट मिलता है, हेयर ट्रांसप्लांट से कितना बेनिफिट मिलता है, और दोनों चीज़ों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो टिपिकल केस है ग्रेड 5A का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो फ्रंटल हेयर लाइन का जो लॉस है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट वो पूरा डिस्ट्रक्ट उनका जो हेयर लाइन है वो हो चुका है। ऊपर की साइड डिफ्यूज थिनिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो प्रेजेंट है, बाकी सब जो है ऑलमोस्ट लॉस हो चुका है। ग्रेड 5 क्यों है, अगर आप ये वाली पिक्चर में देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका जो बोल्डनेस का विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच चुका है, फ्रंट से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक। अगर ये वाले एंगल में भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट इनका जो क्राउन एरिया है वो इन्वॉल्व, ऑलमोस्ट मिडल तक वो इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये इनका हो गया साइड का एंगल। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्पल लॉस हुआ है दोनों साइड पे और हेयरलाइन डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में है तो हम कैसे हेयरलाइन प्लान आउट करेंगे ताकि अभी हमारा लुक अच्छा बने और फ्यूचर के लिए भी अगर हमें ज़रूर पड़ती है तो हम ग्राफ्ट को प्रिजर्व कर सकें। तो इनके केस में अगर हम प्लान आउट करेंगे तो हेयरलाइन का शेप कुछ इस तरह से प्लान आउट करेंगे, समथिंग एकदम शार्प भी नहीं करना है, एकदम बिल्कुल भी राउंड नहीं करना है, तो कुछ इस तरह से उनके फेस के साइज़ और शेप के हिसाब से मैच करते हुए उनकी हेयरलाइन जो है वो हम प्लान आउट करें। अगर हम साइड के एंगल्स के देखें तो ऑलमोस्ट कुछ यहाँ तक कुछ ऐसे हम उनका हेयरलाइन जो है वो प्लान आउट करेंगे कुछ इस तरह से। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो जो टेम्पल्स है उसको हम फिलहाल टारगेट नहीं करने वाले, उसको हम मेडिसिन से इम्प्रोवाइज करेंगे जितना भी पॉसिबल है उतना। अब आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो इनका डोनर एरिया है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है, न्यूमरस हेयर है, हेयर की क्वालिटी भी अच्छी है। तो यस डेफिनेटली कि हमारे सेशन के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम इजीली यहाँ से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डोनर एरिया है, यहाँ से हम जो हेयर है वो लेंगे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए। तो ये अब जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये है सर्जरी के दिन का फाइनल प्लानिंग। तो कुछ इस तरह से जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा राउंड शेप करते हुए हम इनका जो हेयर लाइन है वो प्लान आउट करेंगे। फ्रंट से आप देख सकते हो कि एकदम प्रॉपर पोर्शन रखा हुआ है फोरहेड का। मे बी अभी सर्जरी से पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर है हेयर लाइन, थोड़ा सा बड़ा फोरहेड दिख रहा है, लेकिन इसी चीज़ को जब आप ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट आता है 8 से 10 महीने बाद का, इस सिचुएशन में जो आज हम देखने ही वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा सा चेंज दिखता है आपका फेस का। तो ये हो गया उसका ऊपर का एंगल, ये हो गया इनके साइड के एंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हेयर लाइन की एक अच्छे से कंटिन्यूएशन लेने के लिए हमने छोटे छोटे एंगल साइड में डिज़ाइन किए हुए हैं, दोनों साइड पर एंगल डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन हम हेयर लाइन की मिले और आगे जो टेम्पल्स है उसके साथ वो प्रॉपरली मर्ज हो जाए। ये उनका पूरा ऊपर का टारगेट जोन है कि अभी हम जो प्लान आउट करने वाले 4500 ग्राफ्ट के लिए हम इतना एरिया प्लान आउट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहे छोटे छोटे उनके जो एग्जिस्टिंग हेयर है, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें प्लान आउट करना है कि ड्यूरिंग सर्जरी इम्प्लांटेशन प्रोसेस जो उनके एग्जिस्टिंग हेयर है उसको डैमेज ना हो, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो हो गया प्लानिंग। चलो अब देखते हैं कि इनका हमने डेंसिटी प्लानिंग कैसे किया है, हेयर वॉश की फोटोग्राफ्स भी देखेंगे और अप टू 11 मंथ का रिजल्ट भी देखेंगे। सो माई सेल्फ डॉक्टर विवेक गलानी, चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट RQC हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सूरत इंडिया। आफ्टर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड इम्प्लांटिंग मोर देन अ मिलियंस ऑफ हेयर फॉलिकल, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का लेके आया हूँ। ग्रेड 5, 4500 ग्राफ्ट, 33 ईयर्स एज,
11 मंथ्स। तो अब आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो आठवें दिन एट्थ डे की फोटोग्राफ्स है, ऑलमोस्ट हेयर वॉश जो की है उससे पहले की। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि कितने अच्छे से इनकी जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक जो प्रॉपर डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, जो आप एक डिजर्व करते हो, वही डेंसिटी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे हो। जो फ्रंट की डेंसिटी है, जो मिडल पोर्शन मिडल एरियाज की डेंसिटी है, इन दी एंड लास्ट जो जोन है वो एरिया की जो डेंसिटी है, आप बहुत अच्छे इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। ये इनके हेयरलाइन का मेकआउट है। अगर आप साइड के एंगल देखोगे तो ऑलमोस्ट जैसे हमने प्लान आउट किया था उसी तरह से इनका जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस हुआ है वो कंप्लीट किया गया है। तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस, तो अब आपके सामने जो फोटोग्राफ है वो ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद की है, यानी कि शेडिंग फेज। अगर आपको शेडिंग फेज के बारे में नहीं मालूम है तो इसकी भी वीडियो हमने यूट्यूब में रखी हुई, आप डेफिनेटली वो देखिए। तो ऑलमोस्ट शेडिंग फेज अभी कंप्लीट हो चुका है और ग्रोथ फेज शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो कि आफ्टर शेडिंग फेज यहाँ पर थोड़े बहुत हेयर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिख रहे हैं, वैसे सारी जगह पर दिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पैच खाली हो गया है वो है, और जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है ताकि अगर आगे जब रिजल्ट आएगा तो आप समझ पाओगे कि हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन के रिजल्ट में कितना फर्क होता है। जब आप एक चीज करते हो या फिर दोनों चीज करते हो तो आपको कैसे बेनिफिट मिलता है, वो भी हम इनके रिजल्ट में देखेंगे। तो ये हो गए इनके साइड के एंगल, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। हेयर लाइन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हेयर लाइन है। तो अब आप जो देख रहे हो ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद की फोटोग्राफ से, बहुत अच्छे से आप इनकी जो हेयर लाइन है उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। वहाँ पर ऑलरेडी ग्रोथ होना शुरू हो गया है, थोड़े से वाइट हेयर भी साथ में हमें दिख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ग्रोथ को भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ये वाला जोन है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वन टाइम मोर फॉर यू, कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो ये पीछे का एरिया है, यहाँ पर जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है, वहाँ पर जो आपको ग्रोथ दिख रही है इम्प्रूव होना शुरू हो गया है, वो मेडिसिन की वजह से, वो मेडिसिन का ग्रोथ है। तो ये हो गया उनका अपर का एंगल, ये अब साइड का एंगल है। ऑलमोस्ट हेयर लाइन बहुत अच्छे से आप अप्रिशिएट कर सकते हो लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो चुकी है। और ये ऑलमोस्ट 5 महीने बाद की डोनर एरिया की फोटोग्राफ है। तो यही हमारा जो डोनर एरिया था जहाँ से हमने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हेयर्स को निकाले हैं, आप डोनर एरिया का भी हीलिंग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। ऑलमोस्ट वहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से हेयर हमने निकाला हुआ है। तो अब आप जो फोटोग्राफ स्क्रीन पर देख पा रहे हो वो है 7 महीने की, ऑलमोस्ट आफ्टर 7 मंथ्स। ग्रोथ प्लस ही हो रहा है, आपको डेंसिटी भी समझ नहीं आनी शुरू हो गई होगी कि काफ़ी अच्छे से इनका जो ग्रोथ है वो दिखना शुरू हो गया है। ये इनका फ्रंट का एंगल है ये, और ये ऊपर का एंगल है। आप बहुत ही अच्छे से ये एरिया को अप्रिशिएट कर पाओगे कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा दिखना शुरू हो गया है। ये क्राउन एरिया है जहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया है, यहाँ पर हमने हेयर ट्रांसप्लांट भी किया है, और क्योंकि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी इम्प्रोवाइज होना शुरू हो गए। जब दोनों मिलते हैं, यूनिटी बनती है, तब जो आउटपुट मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वेरी वेरी अप्रिशिएबल मेडिसिन का रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है, बहुत अच्छे से वो क्राउन एरिया कवर हो गया है। और अब बारी आती है 8 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के एनालिसिस की, सो लेट्स गो एंड वॉच। तो फ्रेंड्स, जो आप अभी देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद की फोटोग्राफ, और बहुत अच्छे से आप रिजल्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो। आप इनके फेस की अगर साइज देखोगे, उनके साथ उनके फोरहेड की साइज देखोगे, और ओवरऑल अगर फेस को आप एनालाइज करोगे तो एक जो प्रॉपर जो एक रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वही रिजल्ट आप यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हो। इनकी अगर फ्रंट में अगर हेयरलाइन की हम बात करें, बहुत ही नेचुरल दिख रही है, ऑलमोस्ट ये कहना इम्पॉसिबल है कि इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट प्लान आउट किया था।
अगर आप डेंसिटी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से डेंसिटी भी दिख रही है। और जो एक फेवरेट पार्ट है हमारा कि एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए हमारी हेयर लाइन के अंदर, वह भी आप बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ होती है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर शेप, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, तब आपको एक अच्छा नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखता है। तो ये हो गया इनका फ्रंट का एंगल, ये राइट लेफ्ट साइड का एंगल है। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से इनका जो रिजल्ट है उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, डेंसिटी को भी अप्रिशिएट कर सकते हो। और अब हम देखते हैं ऊपर का एंगल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया था कि ये वाला हमारा जो एरिया है ये हमारा ट्रांसप्लांटेड जोन है, ये वाला हमारा ट्रांसप्लांटेड जोन नहीं है। अगर अब आप दोनों एरिया को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ दो चीज़ें एक साथ हुई है, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट एंड मेडिसिन, और यहाँ पर एक चीज़ से सपोर्ट मिला दिया गया है। तो क्राउन एरिया में जो मेडिसिन से अभी इनको ग्रोथ मिला है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्किन विजिबल है, बट जो इनका स्टार्टिंग अगर आप याद करोगे स्टार्टिंग सिचुएशन क्या थी, और उसके सामने अगर ये फोटोग्राफ आप देखोगे तो दिस इज़ अ वेरी वेरी अप्रिशिएबल रिजल्ट ऑफ मेडिसिन, ऑल्सो हेयर ट्रांसप्लांट एंड मेडिसिन इन द फ्रंटल जोन। तो ये जो अभी आप देख रहे हो वो लेफ्ट साइड का एंगल है, और बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ हेयर लाइन, नेचुरल लुकिंग। अगर ये साइड का आप एंगल देखोगे, डिरेक्शन आप देखोगे, बहुत अच्छे से आप हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए जो हेयर है उसकी डिरेक्शन अप्रिशिएट कर सकते हो। एंड अगर ये फ्रंट का एंगल देखोगे, अगेन वेरी गुड लुकिंग हेयर लाइन, डेंसिटी, एवरीथिंग इज जस्ट एट द परफेक्ट प्लेस एज इट शुड बी। तो ये अब जो आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हो वो है ऑलमोस्ट 9 मंथ के बाद के। तो बहुत अच्छे से अगेन अब जो है रिजल्ट इनका वो अच्छा ही होने वाला है, अप्रिशिएबल ही होने वाला है। तो ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इनकी हेयर लाइन डेंसिटी और ज़्यादा बेहतर होकर बाहर आ रही है। राइट साइड का एंगल आप देखेंगे, लेफ्ट साइड का आप एंगल देखेंगे, दोनों जगह पर, और डेंसिटी तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी से मेकआउट होके बाहर आ रही है। और ये ऊपर का एंगल है जो क्राउन एरिया में जो पिछली बार और स्किन दिख रही थी, थोड़ा सा विजिबिलिटी था और ढक गया, और अच्छा हो गया है। और फ्रंट एरिया है वो तो ऑलमोस्ट इनकम्परेबल है, बहुत अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट और मेडिसिन की वहाँ पर हमें आउटपुट दिख रही है। और अब हम देखते हैं मंथ 11 का। तो अब ऑलमोस्ट 11 महीने का रिजल्ट हमारे सामने है, थोड़ा सा हेयर कटिंग भी हो गई है तो जो हेयर की लेंथ थी वो कंपेरेटिवली कम हो गई है, लेकिन रिजल्ट अब बहुत अच्छे से इस यहाँ पर भी अप्रिशिएट कर सकते हो। ये हेयर की अगर आप डिरेक्शन देखोगे बहुत अच्छी सी डिरेक्शन मिली है। ये हो गया इनका लेफ्ट साइड का एंगल, अगेन यू कैन सी हाउ परफेक्ट जो ये फेस का शेप है वो आपको दिख रहा है, एकदम प्रॉपर जो साइज और शेप होने चाहिए फेस के वो आपको प्रॉपरली मेजरमेंट आपको दिख रहा है। मैंने जैसे बताया फेस का जो शेप है साइज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका फोरहेड, एक होता है मिडल पॉइंट टू द टिप ऑफ द नोज, और एक होता है आपका नोज टिप ऑफ द नोज टू चिन का एरिया। तो जब ये इक्वली और अच्छे से इसको प्रोपोर्शन किया जाए तब आपका जो फेस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाता है। हेयर जब प्रॉपरली प्लेस किए गए हो तो और उसमें ऐड करते हैं आपके लुक को अच्छा बनाने के लिए। फ्रंट से आप देखोगे अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड लुकिंग अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस एनालिसिस ऑफ माइंड ब्लोइंग फेब्यूलस रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीटमेंट व्हेन डन इट राइटली एंड प्रॉपर वे। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए नंबर पर हमारी टीम के साथ आप बात कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, सी यू सून।